कहां फहराएं तिरंगा? घर की बालकनी, दरवाजे या खिड़की पर ध्वज को फहराएं ऊंचा, भगवा ऊपर फिर सफेद और सबसे नीचे हो हरा, सही क्रम में लहराएं तिरंगा, हर घर तिरंगा। रामपुर बागलान जनपद पंचायत में नवनिर्वाचित जनपद सदस्यों को रामपुर बागलान उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय में शपथ दिलाई, जहां पर जनपद उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष व जनपद सदस्यों को रामपुर बागलान अनुविभागीय दंडाधिकारी सुधीर कुमार बैद द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान जनपद पंचायत रामपुर बागलान में नवनिर्वाचित अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह छोटू एवं नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष अक्रेश शर्मा ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रामपुर विधायक विक्रम सिंह बिक्की भैया उपस्थित रहे एवं तहसीलदार अजय राज सिंह, नायब तहसीलदार हिमांशु शुक्ला, अरुण यादव सहित जनपद पंचायत सीईओ अशोक कुमार तिवारी समेत बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं 3 जनपद सदस्यों ने शपथ ग्रहण समारोह से किनारा कर लिया, जबकि उक्त जनपद सदस्य शपथ समारोह स्थल पर मौजूद होने के बावजूद भी पद एवं गोपनीयता की शपथ नहीं ली। सुधाकर त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, उद्घोषण। और आप अध्यक्ष भी चुने गए हैं, पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? मेरी पहली प्राथमिकता ये है, मैं जनपद में कार्यभार संभाल के सबसे पहले मेरे को शिक्षा में ध्यान दें। हम ये मानते हैं कि कोई भी इंसान यदि किसी की भी बर्बाद नहीं करनी, किसी भी जगह में, किसी भी लाइन में, सिर्फ शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि हमको उस लाइन, उस जगह तक पहुँचा सकती है। हम सबसे पहले शिक्षा में ध्यान देना चाहिए। दूसरी प्राथमिकता मेरी स्वास्थ्य की है। यदि हर इंसान स्वस्थ रहेगा तो हर आदमी हर काम कर सकता है। आपके जनपद पंचायत से कई सारी योजनाएं हैं जनहित के लिए, कल्याणकारी हैं, गरीबों को यहां से संचालित होती, उन योजनाओं में आपके क्या क्रियान्वयन होगा? बिल्कुल, मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि जन जन हर जो भी यहां से जो भी प्रक्रिया होगी, जिसकी जो मतलब समस्या होगी, उसका निदान हो, और जो भी यहां की क्या क्या है वो हमारे सीओ साहब हमको बताएंगे। इतनी ज़्यादा जानकारी तो नहीं है हमें, बिल्कुल हम जन जन का सहयोग करना चाहते हैं। ठीक है।